चलो देख, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पहले पढ़ लेते ना, उसके बाद एसिम्प्टोट के बारे में पढ़ेंगे ना। एसिम्प्टोट का मतलब अनंत स्पर्शी, मतलब इन्फाइनाइट पर कोई भी लाइन ना किसी कर्व को टच करेगा, समझे। तो देख रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या था, अभी तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला थोड़ा ही पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे भी नहीं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसमें क्या था कि ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस बराबर होते थे, नहीं अर्थात इसका इक्वेशन क्या था कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नहीं, इसमें बस इतना समझ लेना कि 2a बराबर क्या होता है, 2b होता है, अर्थात a बराबर b, ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस बराबर होते हैं। नहीं, अब देख एसिम्प्टोट क्या होता है, एसिम्प्टोट यानी कि कोई भी टेंजेंट यानी कोई भी लाइन किसी कर्व को इन्फाइनाइट पे टच करता है तो उसी को क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट बोलते हैं। नहीं, मान लें कि हमारे पास हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक। अच्छा कोई भी, अच्छा हाँ एक चीज़ और, एसिम्प्टोट क्या होता है कि हाइपरबोला के सेंटर से पास करेगा, किससे पास करेगा, तो एक लाइन लिखना है तो लिख लो नोट करके कि देख एसिम्प्टोट्स ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ हाइपरबोला, नहीं ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ क्या है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला। अच्छा ये तो समझ गए कि एसिम्प्टोट हमेशा क्या करेगा, सेंटर हाइपरबोला के सेंटर से पास करेगा। अच्छा एक चीज़ ये बता सकते हो कि एसिम्प्टोट का मतलब क्या हो, कि कोई भी टेंजेंट लाइन क्या हो उस कर्व पे इन्फाइनाइट पे टच करे, मतलब कोई भी लाइन किसी भी कर्व को इन्फाइनाइट पर टच करे तो वही क्या होता है, एसिम्प्टोट का केस होता है। नहीं, अच्छा कोई टेंजेंट लाइन पता है क्या, नहीं तो हाइपरबोला पे हम अगर टेंजेंट लाइन लिखना चाहे तो टेंजेंट लाइन क्या होता था, वाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। अच्छा ये होता है। अच्छा देख, तो देख यहाँ पे हाइपरबोला के सेंटर क्या है, जीरो जीरो है, तो एसिम्प्टोट किससे पास करेगा, जीरो जीरो से पास करेगा, तो क्या होगा जीरो इंटू एम इंटू जीरो प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो देख यहाँ से ए स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर क्या रहा है, बी स्क्वायर, तो एम बराबर क्या रहा है, प्लस माइनस बी बाई ए, इतना हो गया। अच्छा अब ये तो पता चल गया कि ये क्या कहते हैं, एक स्लोप पता चल गया। नहीं, अब एसिम्प्टोट किससे पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर जीरो जीरो, तो देख एक किसी भी लाइन का स्लोप और किसी भी लाइन पर एक पॉइंट पता चल जाए तो हम उस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। नहीं, तो देख y माइनस जीरो इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस या y इज इक्वल टू जीरो एम इंटू एक्स माइनस जीरो, तो y बराबर क्या आएगा, m के जगह पे क्या रख देंगे, प्लस माइनस b बाई ए, प्लस माइनस b बाई ए एक्स। तो ये क्या है, ये क्या है, एसिम्प्टोट का इक्वेशन है, क्या है, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट फॉर अ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। नहीं, अच्छा अच्छा ये तो एक देख, एक एसिम्प्टोट क्या होगा, वाई बराबर बी बाई ए एक्स, नहीं दूसरा इक्वेशन क्या होगा, वाई बराबर माइनस का बी बाई एक्स। अब देख हाइपरबोला मेरे पास क्या है, ये है ना, तो देख एसिम्प्टोट क्या होता है, उसके सेंटर से पास करता है, तो एक एसिम्प्टोट क्या होगा, अनंत पे हाइपरबोला को टच करेगा तो ये होगा, नहीं दूसरा एसिम्प्टोट क्या रहा होगा, ये रहा होगा। अच्छा इस दोनों एसिम्प्टोट को क्या बोलेंगे हम, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट, क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट। अगर हमको यही से पूछ लेता कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट लिखने के लिए तो क्या लिखते हैं, पहले यहाँ तक लिख उसके बाद बताते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट। लिखो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। अच्छा देख मेरे पास एसिम्प्टोट का इक्वेशन क्या था, कि वाई बराबर क्या था, प्लस माइनस क्या था, बी बाई ए, ये ना था एक्स। नहीं,
अच्छा एक बार प्लस वाला केस लो, एक बार क्या लो प्लस वाला, तो क्या आ रहा है y बराबर बी बाई ए एक्स, अर्थात इस हम इसको लिख सकते हैं कि y बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई ए, लिख सकते हैं। yes, फिर यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू जीरो। एक एसम टोट का इक्वेशन ये आ गया, दूसरा एसम टोट माइनस वाला लो, तो y बराबर क्या आएगा माइनस का b बाई ए एक्स, इसको लिख सकते हैं y बाई बी इज इक्वल टू माइनस का x बाई ए, अर्थात y बाई बी प्लस का x बाई ए इक्वल टू जीरो। एक एसम टोट का ये इक्वेशन आया, दोनों एसम टोट को एक साथ गुना कर दो, तो उसी को क्या बोलेंगे हम पेयर ऑफ एसम टोट, नहीं तो दोनों एसम टोट को एक साथ गुना कर दोगे तो एसम टोट मेरे पास क्या x माइनस ए एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इंटू एक्स बाई ए प्लस का वाई बाई बी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है मेरे पास पेयर ऑफ एसम टोट है। देख यहाँ से हम एक अच्छा रिजल्ट भी इंक्लूड करेंगे। अच्छा देख तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये क्या है पेयर ऑफ एसम टोट का इक्वेशन है ना। अच्छा ये तो पेयर ऑफ एसम टोट का इक्वेशन है, ये देख हाइपरबोला का इक्वेशन है नहीं, ये पेयर ऑफ एसम टोट का इक्वेशन है, ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। अच्छा कोई बता सकते हो कि कंजुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा, कंजुगेट हाइपरबोला इस हाइपरबोला का कंजुगेट क्या होगा माइनस का वन। अच्छा देखो इस तीनों इक्वेशन में देखो तो किसका डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म का ही डिफरेंस आ रहा। तो देख एक रिलेशन होता है कि देख हाइपरबोला का इक्वेशन दिया रहेगा, हमको वहाँ से क्या निकालना रहेगा पेयर ऑफ एसिम्प्टोट का इक्वेशन निकालना रहेगा या कांस्टेंट क्या कहते हैं कंजुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना रहेगा। उसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होता है, और कांस्टेंट टर्म किस तरह से रिलेटेड है क्या होता है कि देख अगर मान लें कि मेरे पास हाइपरबोला का इक्वेशन दिया रहेगा, वहाँ से हमको क्या पूछे एसिम्प्टोट का इक्वेशन भी पूछ सकता है, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट का भी इक्वेशन पूछ सकता है। तो एक रिलेशन होता है कि टू टाइम्स एसिम्प्टोट का जो कांस्टेंट होता है ना वो ये इसके बराबर होता है इज इक्वल टू हाइपरबोला के कांस्टेंट प्लस कंजुगेट हाइपरबोला के कांस्टेंट के बराबर होता है। क्या होता है हाइपरबोला के कांस्टेंट और कंजुगेट हाइपरबोला के कांस्टेंट के बराबर होता है। इस रिलेशन को याद कर लेना, कैसे याद करना कि हाइपरबोला का इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म जो होता है एसिम्प्टोट के इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म होता है और कंजुगेट हाइपरबोला के इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म होता है ना वो इस तरह से रिलेटेड है कि टू टाइम्स एसिम्प्टोट का कांस्टेंट ये बराबर होता है हाइपरबोला के कांस्टेंट प्लस कंजुगेट हाइपरबोला के कांस्टेंट। ऐसे भी तुम बोल सकते हो कि हाइपरबोला का कांस्टेंट प्लस कंजुगेट हाइपरबोला का कांस्टेंट बराबर होता है टू टाइम्स एसिम्प्टोट का कांस्टेंट। यहाँ पे भी तुम रिलेट कर सकते हो कि देख यहाँ पे देख एसिम्प्टोट का कांस्टेंट कितना है जीरो, तो क्या होगा टू इंटू जीरो और हाइपरबोला का वन कंजुगेट हाइपरबोला का माइनस वन, क्या आ गया जीरो बराबर जीरो आ गया ना। लेकिन ऐसे किया जाता है कि देख इसको ना इधर ले आना और इसको इधर लाके करना। अभी तो मान ले कि सबको चल RHS में एक साइड रखे थे कांस्टेंट को, कोई बात नहीं वैसे भी रिलेट कर सकते हैं, नहीं तो कोशिश करना कि कांस्टेंट टर्म को ना सारे को एक साइड ले आना राइट इस साइड में यानी RHS में जीरो छोड़ देना, वहाँ से कांस्टेंट टर्म निकालना ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। नहीं तो इसको लिख ले कि क्या होता है कि हाइपरबोला का कांस्टेंट बराबर होता है हाइपरबोला का कांस्टेंट प्लस कंजुगेट हाइपरबोला का कांस्टेंट ये बराबर होता है टू टाइम्स एसिम्प्टोट के कांस्टेंट। इसमें हम क्वेश्चन भी कराएंगे समझे। झुका देंगे एक ही हाथी में। देखो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। अच्छा हम एसिम्प्टोट इस हाइपरबोला के लिए क्या जानते हैं एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके लिए एसिम्प्टोट का इक्वेशन क्या था वाई बराबर प्लस माइनस बी बाई ए एक्स। लेकिन जब हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करेंगे तो बी और ए क्या है बराबर है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में क्या हो जाएगा एसिम्प्टोट वाई बराबर प्लस माइनस एक्स। इसको याद रख लेना कि एसिम्प्टोट का इक्वेशन होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए वाई बराबर प्लस माइनस एक्स। नहीं अच्छा एक चीज़ और पूछ सकते हैं यहाँ पे
कि देख वाई बराबर प्लस एक्स और वाई बराबर माइनस एक्स, इस दोनों का ये बताओ तो क्या कहते हैं लाइन वाई बराबर एक्स ये लाइन होती है और वाई बराबर माइनस एक्स दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। नहीं तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एसिम्प्टोट क्या होता है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो नोट करके ये भी चीज़ याद कर लेना कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का दोनों एसिम्प्टोट क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, उसमें से एक एसिम्प्टोट वाई बराबर एक्स होता है, दूसरा एसिम्प्टोट वाई बराबर माइनस एक्स होता है। नहीं जनरली याद करने के लिए इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या था, वाई बराबर प्लस माइनस बी बाई ए एक्स, नहीं बट जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात आई तो बी और ए बराबर हो गया, इसलिए एक एक एसिम्प्टोट क्या गया वाई बराबर एक्स, दूसरा एक्स एसिम्प्टोट क्या गया वाई बराबर माइनस एक्स, दोनों एसिम्प्टोट क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। नहीं अब चल क्वेश्चन लिख, पहला हो गया, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट एंड कंजुगेट हाइपरबोला। हमको किसका इक्वेशन निकालना है, एसिम्प्टोट एंड कंजुगेट हाइपरबोला का, ऑफ हाइपरबोला यानी कि हाइपरबोला का ये इक्वेशन दिया है, हमको यहाँ से क्या निकालना है पेयर ऑफ एसिम्प्टोट का इक्वेशन निकालना है और कंजुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना है। तो हम क्या जानते हैं कि हाइपरबोला और कंजुगेट हाइपरबोला में किसका अंतर है, सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म का, सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म का अंतर है। नहीं तो हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट एसिम्प्टोट का इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हो क्या होगा, 2x² माइनस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4y प्लस के इक्वल टू जीरो, के कोई कॉन्स्टेंट है। नहीं तो यहाँ से यहाँ आने में सिर्फ किसका अंतर रहता है, हाइपरबोला से एसिम्प्टोट हाइपरबोला में आए तो सिर्फ कॉन्स्टेंट का अंतर है, कॉन्स्टेंट को लिख दिए कि अब ये क्या है सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दर्शाता तो क्या होता है, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट भी तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है, दो स्ट्रेट लाइन ही है। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दिखाता था तो उस केस में डेल्टा बराबर क्या होता जीरो, तो यहाँ से डेल्टा बराबर क्या कर देंगे जीरो। डेल्टा याद है किसी को क्या होता था, ऑल होस्टल गर्ल, ये याद है ना, ऑल होस्टल गर्ल हैविंग बोरिंग फ्रेंड गॉन फ्रॉम सिनेमा। नहीं हमको ऐसे ही याद रह गया। नहीं अब देख ए के जगह पर क्या है, टू ए टू, नहीं तो ए के जगह पे टू, बी के जगह पर एच के जगह पर कितना, एच क्या होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई का आधा। नहीं तो कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई कितना है माइनस टू, माइनस टू का आधा माइनस वन। नहीं जी क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स का आधा, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना टू, टू का आधा वन। नहीं एच क्या है, एच तो माइनस वन है। बी क्या है कोफिशियंट ऑफ वाई, वाई कितना है वाई स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है माइनस वन। नहीं एफ क्या है कोफिशियंट ऑफ वाई का आधा माइनस टू। नहीं अच्छा जी, जी कितना है वन, एफ माइनस टू, सी के इक्वल टू जीरो। नहीं तो यहाँ से क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देख डिटर्मिनेंट तो आता है खोले, नहीं प्लस माइनस प्लस, नहीं तो क्या होगा टू इंटू ये, तो क्या होगा माइनस के और ये माइनस माइनस का फोर। नहीं सही है ना, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस का वन इंटू ये प्लस का टू, फिर प्लस का वन इंटू वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का टू के माइनस का एट प्लस माइनस का के प्लस का टू प्लस का थ्री इक्वल टू जीरो। तो तीन दूना पाँच और ये क्या आ रहा है माइनस टू के माइनस का के कितना होगा माइनस का थ्री के और माइनस का आठ और ये प्लस का फाइव माइनस का थ्री इक्वल टू जीरो। तो के बराबर कितना आ गया प्लस का वन या माइनस का, माइनस का वन। नहीं तो के बराबर कितना आ गया माइनस का वन। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट तो लिख देंगे, यही हो जाएगा, के जगह पर माइनस वन दे देंगे। अब देख एक और रिलेशन क्या था कि हाइपरबोला के कॉन्स्टेंट प्लस कंजुगेट हाइपरबोला का कॉन्स्टेंट, ये किसके बराबर होता था टू टाइम्स एसिम्प्टोट का कॉन्स्टेंट। तो हाइपरबोला का कॉन्स्टेंट कितना है वन,
नहीं एक रिलेशन फिर से लिख दे, एच प्लस सी इक्वल टू क्या था 2a, तो हाइपरबोला का कॉन्स्टेंट 1, कंजुगेट हाइपरबोला का निकालना ही है, नहीं एसम्प्टोट का कॉन्स्टेंट कितना आ गया माइनस का 1, नहीं तो 2 इंटू माइनस का 1, तो सी कितना आ गया माइनस का 3, नहीं सी का आ गया माइनस का 3, तो इक्वेशन ऑफ एसम्प्टोट बोलो तो क्या होगा 2x स्क्वायर, ये दिख रहा है ना पूरा, देखो तो 2x स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का y स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4y माइनस का 1 इक्वल टू 0, ये तो एसम्प्टोट का इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से हम कंजुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर 2xy माइनस का y स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4y माइनस का 3 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया एसम्प्टोट का इक्वेशन, सॉरी कंजुगेट है हाइपरबोला का इक्वेशन, नहीं तो जल्दी जल्दी छाप लो। हो गया, लिखो क्वेश्चन, देखो क्या बोला कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय एसम्प्टोट एंड एनी टेंजेंट टू हाइपरबोला, नहीं इसी में देख हम दो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, एक क्वेश्चन तो ये है, इसी का जस्ट दूसरा अगला पार्ट करा देंगे जो एक लाइन में आंसर देना, ठीक। तो देखो क्या बोला कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय एसम्प्टोट एंड एनी टेंजेंट टू हाइपरबोला, इतना पहले तो इसको हम जनरली करते हैं, ठीक उसके बाद तुम हाँ इसका फिगर बनाते हैं पहले, उसके बाद देख पहले तो जनरली करते हैं, उसके बाद तुमको हम एक लाइन में भी इसका आंसर बता देंगे कि कैसे निकाला जाता है, नहीं तो देख बोल रहा है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय एसम्प्टोट एंड एनी टेंजेंट टू हाइपरबोला, तो देख सबसे पहले ये क्या मेरा हाइपरबोला है, नहीं हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, नहीं ये हाइपरबोला बना दिए। अब इस पर एसम्प्टोट क्या होता था, वाई बराबर प्लस माइनस बी बाई बी, नहीं तो एक मान लेते कि वाई बराबर प्लस का बी बाई ए ये है और ये क्या है वाई बराबर माइनस का बी बाई ए है, एक एसम्प्टोट क्या है ये बी बाई ए एक्स, ये क्या है वाई बराबर माइनस का बी बाई ए एक्स, नहीं तो क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाई एसम्प्टोट एंड एनी टेंजेंट टू हाइपरबोला, तो मान लेते कि कोई टेंजेंट क्या है हाइपरबोला पे ये है, तो देख इस एसम्प्टोट और इस टेंजेंट के कारण हाइपरबोला का एरिया यही बनेगा, मतलब ट्राइंगल का एरिया यही ना बनेगा, नहीं तो हमको ये एरिया फाइंड करना है, उस साइड बनेगा किस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा तो यहाँ पे टेंजेंट लेंगे तब ना इस साइड बनेगा, yes, नहीं तो टेंजेंट इधर लेंगे तो ये एरिया बनेगा, लेकिन अभी मान ली कि कोई एक ही टेंजेंट ना बोल रहा है, yes, क्या बोला एनी टेंजेंट टू हाइपरबोला, तो एक ही टेंजेंट हम ले सकते नहीं अभी, तो ये एरिया बना। अब ये एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हम ये पॉइंट निकाल लेते हैं और ये पॉइंट निकाल लेते हैं और ये पॉइंट जीरो जीरो है ही नहीं, अच्छा कोई भी पॉइंट बता सकते हो हाइपरबोला पर, जनरल पॉइंट पहले जनरल क्या होता था एक से थीटा बी टेन थीटा, अच्छा ये होता था, हमको ये पॉइंट निकालना है तो हम क्या करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेते, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद है कैसे लिखेंगे, एक्स ए सेक थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस y b tan थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आता था x sec थीटा बाई a नहीं माइनस y tan थीटा बाई b इज इक्वल टू 1, नहीं अब हमको ये पॉइंट निकालना है, तो देख y बराबर बी वाई ए एक्स लाइन और इस लाइन को सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट आएगा, तो हम y के जगह पर क्या पुट कर देंगे b बाई ए एक्स, क्या पुट कर देंगे b बाई ए एक्स, तो ये क्या होगा x sec थीटा बाई a माइनस y के जगह पे b बाई ए, अर्थात यहाँ पे y के जगह b बाई ए रखेंगे तो b भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा tan थीटा बाई a इक्वल टू 1, अर्थात अच्छा b बाई ए एक्स ना पुट करेंगे नहीं, तो क्या होगा x tan थीटा बाई a होगा, ऊपर से x कॉमन ले ले नीचे से a उधर डिवाइड कर ले, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू a, तो
तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, a बाई sec थीटा माइनस tan थीटा। नहीं अबे sec sec समझ लेना, sec थीटा माइनस tan थीटा लिख दे पूरा, sec थीटा माइनस tan थीटा। अब देख x इतना आ गया तो हमको y निकालना है, इस पॉइंट का y, तो x के जगह पर ये वैल्यू जाकर रख देंगे। तो ये वैल्यू रखेंगे तो देखो a और a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा b अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। इस पॉइंट का नाम हम क्या दे देते हैं, क्या दे दे a दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं k दे देते हैं। नहीं ये ओरिजिन है, तो देख ए पॉइंट का देख ए का y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, a अपॉन b अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। नहीं तो मेरा a का कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, तो a का कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो a का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, a अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, a अपॉन sec थीटा, अच्छा b अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। नहीं ये a का कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली हम k का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, k के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y के जगह पर माइनस का b बाई ax डाल लेंगे, y बराबर माइनस का b बाई ax इसमें रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा देख, x sec थीटा अपॉन a तो रहेगा ही, y के जगह पर हम क्या रखेंगे, माइनस का b बाई a, तो b और b तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा tan थीटा x बाई a इज इक्वल टू वन बनेगा। तो x बराबर यहाँ से क्या आ रहा है, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू a, तो x बराबर कितना आ जाएगा, a बाई sec थीटा प्लस tan थीटा। इसी तरह y कोऑर्डिनेट लिखना है तो y कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, जाके यहाँ पे देख x के जगह पर a sec थीटा, तो a तो कैंसिल, क्या आएगा माइनस b अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। अब हम एरिया क्या जानते हैं, डब्बा से लिख सकते हैं ना, किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखेंगे, डब्बा इज इक्वल टू देख x कोऑर्डिनेट देख, ये तो जीरो जीरो है ना, तो क्या होगा जीरो जीरो वन होगा, होगा इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जीरो वन होगा। अब देख इसका दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना आ चुका है, a कोऑर्डिनेट, a अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, b अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा वन, अच्छा sec थीटा माइनस tan थीटा। अब इसी तरह हम ये k का कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, तो क्या होगा a अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, b अपॉन sec थीटा माइनस b अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू वन। ये एरिया निकालना है, अब इसको खोलोगे कैसे, तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, ये तो जीरो ये जीरो, इसके कारण तो जीरो जीरो आएगा, इसके कारण ही खुलेगा, तो वन इंटू क्या खुलेगा, ये गुना ये खुलेगा ना, वन इंटू ये गुना ये। तो कहाँ पे लिखे, पहले इतना लिखोगे तो लिख लो, तुम लोग बैठ जाओ, नहीं चालू कर दूँ देख, तो देख इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू देख यहीं से खोल देना, प्लस माइनस प्लस, तो इसके कारण तो जीरो इंटू ये जीरो ही आ जाएगा, जीरो इंटू ये जीरो ही आ जाएगा, बचेगा क्या वन, तो वन इंटू देख ये, तो क्या होगा ए वाई sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू माइनस का b बाय sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस ए बी अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा और इंटू sec थीटा माइनस, sec थीटा माइनस tan थीटा, क्या हो गया। अब देखो, अच्छा देख डेल्टा का फॉर्मूला ये नहीं होता, डेल्टा बराबर होता है देख हाफ इतना मॉड्यूलस होता है समझे, तो यहाँ पे भी हाफ आएगा, पहले इससे कॉमन नहीं, समझे हाफ पहले भी आता नहीं, तो देख डेल्टा बराबर यहाँ से क्या आ गया हाफ इंटू देख ए बी तो बाहर आ जाएगा, या माइनस का ए बी चल बाहर ले लिए, माइनस का ए बी हम क्या किए बाहर लिए, नीचे में क्या आएगा वन अपॉन
sec थीटा माइनस टेन थीटा इंटू sec थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो कि वन, और देख माइनस का ए भी बाहर चला गया है तो ये प्लस का वन अपॉन वन बचा, तो डेल्टा बराबर क्या आ रहा है, हाफ ए बी इंटू ये माइनस का रहने दे इंटू टू, और ये टू टू कैंसिल हो गया था, डेल्टा बराबर क्या आ रहा है माइनस का ए बी, लेकिन ए और बी तो पॉजिटिव है नहीं, तो मॉड ले लेंगे, क्योंकि एरिया तो मॉड होता है ना, तो इसका मॉड ले लेंगे, तो डेल्टा बराबर क्या आ गया ए बी, नहीं ऑप्शन बी नहीं, नहीं इसका देखो दूसरा तरीका बताते हैं, क्या बोल रहा था कि देख एरिया ऑफ टेंजेंट फॉर्म बाय एनी टेंजेंट एंड एसम्प्टोट, नहीं तो देख एसम्प्टोट कोई भी ले सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना बोला कि वाई बराबर प्लस माइनस बी बाई ए एक्स, हम ले लेते कि दोनों एसम्प्टोट क्या है परपेंडिकुलर है, वो भी वाला तो ले सकते हैं, एक केस तो ऐसा है ना, हम मान लेते कि दोनों टेंजेंट क्या है, जब दोनों एसम्प्टोट क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, नहीं तो देख हाइपरबोला मेरे पास क्या था कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये क्या था हाइपर बोला था। अच्छा अब देखो ये हाइपर बोला है नहीं, हम कोई भी टेंजेंट ले सकते नहीं, सॉरी कोई भी एसम्प्टोट ले सकते हैं, तो एसम्प्टोट हम क्या ले लिए, एक ले लिए वाई बराबर एक्स और दूसरा ले लिए वाई बराबर माइनस एक्स ले लिए। अच्छा ये थोड़ी ना बोला है कि हम कहीं पर भी ये ले सकते, मतलब टेंजेंट कहीं पर भी ले सकते हैं, तो हम क्या लिए इस वर्टेक्स पे ही टेंजेंट ले लिए, जिसका कोऑर्डिनेट कितना होता है a कॉमा जीरो, हम इस पॉइंट पे ही टेंजेंट ले लिए। अब जो ये एरिया फॉर्म होगा, अच्छा लेकिन ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में ही ना ले सकते y बराबर प्लस माइनस x, नहीं तो एसम्प्टोट तो चलो एसम्प्टोट वही रहने दो, ये ले लेते हैं y बराबर क्या ले लेते हैं b बाय x, और ये क्या ले लेते हैं y बराबर माइनस का b बाय ax ले लिए। अब हमको निकालना है क्या है, ये एरिया निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं ये पॉइंट निकाल लेते हैं और ये पॉइंट निकाल लेते हैं नहीं, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कैसे निकलेंगे, देखो इसमें x की जगह पे a रखोगे, ताकि टेंजेंट इस बार कहाँ ले रहे हैं वर्टेक्स पे ले रहे हैं a कॉमा जीरो, तो x की जगह पे a रखोगे तो y कितना आ जाएगा b आ जाएगा, तो a कोऑर्डिनेट मेरा कितना आ गया a कॉमा b आ गया, यहाँ पर रखोगे इस एसम्प्टोट क्या है वाई बराबर माइनस का बी बाई ए एक्स, इसमें x की जगह पर a रखोगे तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा माइनस का बी, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया a कॉमा माइनस का बी। अब देख तीन पॉइंट आ चुके हैं, हमको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे, डेल्टा बराबर क्या होता है हाफ नहीं पॉइंट, तो कितना जीरो जीरो वन होगा, फिर क्या हो जाएगा एक पॉइंट क्या है ये, तो a कॉमा बी वन, दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है a कॉमा माइनस बी, a कॉमा माइनस बी वन, तो डेल्टा बराबर क्या आ रहा है देखो प्लस माइनस प्लस हुआ हाफ, देख इसके कारण तो जीरो हो जाएगा नहीं, इसके कारण खोलोगे तो जीरो, इसके कारण भी जीरो, तो खोलोगे सिर्फ वही वाला केस, तो वन इंटू क्या आ जाएगा माइनस का ए बी, और माइनस का ए बी नहीं, तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा हाफ माइनस का टू ए बी, टू टू कैंसिल हो गया माइनस तो रहने थे, तो डेल्टा बराबर क्या आ गया माइनस का ए बी, लेकिन डेल्टा तो क्या होता है सॉरी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इस सब के आगे तो हमको मॉड लगाना ही पड़ेगा ना, नहीं इस सब के भी आगे मॉड लगाना पड़ेगा, तो इसके आगे भी मॉड लगेगा, इसके आगे भी मॉड लगेगा, तो डेल्टा कितना हो गया ए बी। कहीं कि देखा अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहता तो उस केस में हम y बराबर माइनस का b बाई ए एक्स यानी कि y बराबर प्लस माइनस x ले सकते थे नहीं, क्योंकि उस केस में तो टेंजेंट दोनों टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, लेकिन इस केस में नहीं ना ले सकते है, अगर माइनस का b बाई ए एक्स ले रहे तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि a और b क्या है बराबर है, तब तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का केस चल रहा है नहीं, तो नहीं ले सकते थे क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ही ना दोनों टेंजेंट दोनों एसम्प्टोट क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, जब भी हम अगर y बराबर x लेते हैं y बराबर माइनस x लेते हैं तो हम बोल रहे हैं कि वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तब तो हाइपरबोला रहा ही नहीं नहीं, तो देखो क्या बोल रहा है कि देख
प्रूव डेट सेगमेंट ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन पेयर ऑफ एसिम्प्टोट विल बी बाइसेक्टेड बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको भी दो तरीका से प्रूफ करेंगे, समझे। पहले तो देख क्या बोला कि प्रूव डेट सेगमेंट ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन पेयर ऑफ एसिम्प्टोट, बिटवीन पेयर ऑफ एसिम्प्टोट नहीं देख पहले विल बी, अच्छा हाइपरबोला कहीं पे लिखा ही नहीं है। वाह, ऑफ हाइपरबोला लिख लेना, नहीं ठीक। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, नहीं ये लिख लेना ठीक। अब देख ये तो हाइपरबोला है, पहले इस क्वेश्चन को समझ, क्वेश्चन बोल क्या रहा कि ये हाइपरबोला है ठीक। हाइपरबोला का दो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट, एक एसिम्प्टोट ये है दूसरा एसिम्प्टोट ये है। तो क्या बोला कि प्रूव डेट सेगमेंट ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन पेयर ऑफ क्या है, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट, यानी कि देख पेयर ऑफ एसिम्प्टोट ये है, इस एसिम्प्टोट के बीच में कोई भी एक टेंजेंट ले ले, ये टेंजेंट क्या करता है, ये टेंजेंट ले लिए, ये टेंजेंट ले लिए, तो देख सेगमेंट, ये सेगमेंट एक ये सेगमेंट है और ये सेगमेंट है नहीं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सेगमेंट हुआ और एक सेगमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ। तो ये क्या करता है P पॉइंट को, यानी कि कोई P पॉइंट क्या है इसका, इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट करते हैं का मतलब है कि ये टेंजेंट और ये कर्व यहाँ पे टच करता है। तो ये P पॉइंट जो है ना क्या करता है, इस सेगमेंट और इस सेगमेंट को बाइसेक्ट करा, दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसको देख प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो देख ए सेक थीटा ले लेते हैं, फिर बी टेन थीटा ले लेते हैं, ले लेते हैं। अच्छा एक चीज़ याद है, इसको दूसरा एक तरीका याद है कि हम इक्वेशन ऑफ पहले क्या लिखे थे, टेंजेंट लिखे थे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आया था, एक्स एक्स सेक थीटा बाई ए माइनस का वाई वाई टेन थीटा बाई बी इज इक्वल टू वन। अच्छा ये पॉइंट क्या आया था, याद है किसी को, नहीं ये पॉइंट था कि ए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही था क्या। दूसरा पॉइंट क्या मेरे पास आया था, ये वाला, ये पॉइंट क्या था कि ए सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस का बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा ये पी सेक थीटा, तो हमको ये प्रूफ करना है कि पी पॉइंट जो है ना इस दोनों को बराबर दो भागों में बांट रहा है। मतलब मान ले इस पॉइंट का नाम ए ले ले, इस पॉइंट का नाम बी ले ले, तो पी पॉइंट ए बी को दो बराबर भागों में डिवाइड करना है। ऐसे भी मिड पॉइंट फार्मूला से देख लो प्रूफ करके, नहीं कि मान लेते कि देख हम मान लेते कि पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट छोड़, पी पॉइंट अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो हम ये रेशियो निकालते हैं। मान लेते कि पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मेरे पास है, एच कॉमा के, अगर एच कॉमा के इतना आ गया तो सही है, नहीं आया तो नहीं है, नहीं तो एच का कोऑर्डिनेट क्या होगा बता दे। मान लेते कि पी पॉइंट क्या करता है, ए बी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा था, इसका रेशियो क्या होगा, वन इज टू वन का होगा। तो पी पॉइंट को, पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एच, तो एच बराबर मेरे पास क्या आएगा, वन इंटू ये, वन इंटू ये आएगा ना, तो क्या आएगा, ए अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस प्लस ए अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टू होगा। तो h बराबर क्या आ जाएगा, देख a तो कॉमन ले लेंगे, a बाई टू कॉमन आ गया, फिर यहाँ पर देख नीचे क्या आएगा, LCM लोगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आएगा, sec थीटा प्लस टेन थीटा, और फिर जब इसका इससे गुना होगा तो sec थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ से h कितना आ रहा, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो वन हो गया, तो a बाई टू टेन थीटा कैंसिल हो गया, तो टू sec थीटा और ये टू टू कैंसिल हो गया, तो h का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, a sec थीटा। तो इसका x कोऑर्डिनेट तो एक sec थीटा आ गया। अब हम y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, k है, तो क्या होगा, वन इंटू माइनस यानी कि माइनस बी अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस वन इंटू ये, तो क्या होगा, b अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा बाई टू। दोनों जगह से हम क्या करते हैं, बी कॉमन लेते, या माइनस का बी कॉमन ले सकते, जो लेना लेना, चलो माइनस का बी ही कॉमन ले लिए, नहीं माइनस का बी बाई टू कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, इधर तो आ जाएगा sec थीटा माइनस टेन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस का sec थीटा माइनस का टेन थीटा, माइनस का sec थीटा माइनस का टेन थीटा अपॉन टू, सॉरी अपॉन का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, तो ये तो sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो वन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस का बी बाई टू,
ये देख, ये और ये कैंसिल हो गया, इधर से क्या आ गया माइनस का 2 टेन थीटा, और ये कैंसिल हो गया, तो बी बराबर के बराबर कितना आ रहा है, बी टेन थीटा, तो के बराबर एच बराबर ए सेक थीटा, बी बराबर टेन थीटा। हम क्या लेके चले थे कि पी कोई पॉइंट है एच कॉमा के, जो क्या कर रहा है ए बी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। अब हम मान लें कि पी का कोऑर्डिनेट ए सेक थीटा आ गया, और क्या कहते हैं इसका वाई कोऑर्डिनेट बी टेन थीटा आ गया, तो हो गया नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, रिजल्ट के रूप में याद कर लेना, क्योंकि जेई के क्वेश्चन में तो याद करने वाला आएगा, या कहते हैं प्रूफ करने वाला तो आएगा नहीं, तो ये सोचना याद करना ऐसे कि हाइपरबोला पर कोई भी एसिम्प्टोट, हाइपरबोला पर कोई भी पेयर ऑफ एसिम्प्टोट है, और उस दोनों के बीच का कोई टेंजेंट लाइन खींचे, तो टेंजेंट लाइन का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा ना उस दोनों एसिम्प्टोट के एंड पॉइंट, देखिए ये टेंजेंट लाइन और एसिम्प्टोट जहाँ पर मिलेगा ना, तो वो एंड पॉइंट ए, मान लीजिए ये टेंजेंट और एसिम्प्टोट ए पर मिला, इधर बी पर मिला, इधर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है पी, तो पी क्या करेगा ए बी को बाइसेक्ट करेगा। नहीं यार, ये भी याद कर सकते कि ये जो ए पी सेगमेंट जितना होगा उतना ही क्या होगा बी पी सेगमेंट होगा। नहीं यार, ये बोल सकते हो कि पी ए बी को क्या करेगा दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। इसका दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड भी एक लाइन में बन जाएगा। नहीं, दूसरा तरीका बता दे, जैसे उस क्वेश्चन में एरिया निकाले तो ऐसे बना सकते हैं। नहीं तो जल्दी से इतना छाप लो पहले, देखो इसका दूसरा तरीका बताते हैं, वही जो क्या कहते हैं एरिया वाला बताए। नहीं तो देखो क्या बोला कि प्रूव डेट सेगमेंट ऑफ एनी टेंजेंट, अब टेंजेंट तो मेरे पास कोई भी है, हम कहीं भी टेंजेंट ले सकते हैं, टेंजेंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं है। नहीं तो टेंजेंट बिटवीन पेयर ऑफ एसिम्प्टोट, हाँ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट मेरे पास क्या हो जाएगा वाई बराबर एक प्लस का बी बाई एक्स, दूसरा वाई बराबर माइनस का बी बाई एक्स। तो हम एक टेंजेंट क्या ले लिए वाई बराबर बी बाई ए एक्स, दूसरा टेंजेंट क्या ले लिए वाई बराबर y बराबर माइनस का b बाई ए एक्स। अब हम क्या ले लेते हैं कि टेंजेंट मेरा कहाँ पे है, वर्टेक्स पे ही टेंजेंट ले लेते हैं, तो ये पॉइंट का पता है a कॉमा जीरो, हम इस पे ही टेंजेंट ले लिए। नहीं अब ये टेंजेंट है तो ये स्वाभाविक इस पॉइंट पर टेंजेंट ली, तो ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा। अच्छा ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहाँ पे मिलेगा, a पे मिलेगा और b पे मिलेगा, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का नाम हम दे दिए p। तो फिर से हमको यही ना प्रूफ करना है कि p a b को बराबर भागों में डिवाइड करेगा। नहीं तो स्वाभाविक ही देख, इसका x कोऑर्डिनेट, a का x कोऑर्डिनेट बताओ तो क्या होगा, x का a कोऑर्डिनेट तो a होगा नहीं, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा a रखोगे यहाँ पे तो b, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा a ही होगा, y कॉमा b होगा, होगा ना। अच्छा अब हमको बोला है कि p पॉइंट ab को बराबर भागों में डिवाइड करेगा। नहीं तो जितना ap का लेंथ होगा तो उतना ही bp का लेंथ होगा, तो लेंथ ऑफ ap निकाले, तो ap का लेंथ कितना होगा, चालू है कि नहीं, ए पी का लेंथ कितना होगा निकाल लें। देख ए माइनस ए गया तो कितना होगा बी, जीरो प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया बी। अच्छा बी पी का कोई लेंथ बता दो तो कितना होगा, बी पी का ए माइनस ए जीरो, जीरो माइनस बी यानी कि जीरो प्लस बी का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा बी, हो गया ना। तो पी पॉइंट क्या कर रहा है ए बी को बराबर भागों में बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एक लाइन में भी प्रूफ हो गया। नहीं नोट कर लो, नहीं देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, बोला है कि ए नॉर्मल एट अ पॉइंट पी ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला पे कोई पॉइंट पी है जिसने हम क्या किए नॉर्मल ड्रॉ किए, इंटरसेक्ट द ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे कर रहा है एट क्यू, नहीं एंड नॉर्मल फ्रॉम क्यू टू एसिम्प्टोट, मतलब क्यू से हम क्या किए एसिम्प्टोट पे नॉर्मल दिए, और एसिम्प्टोट मेरे पास क्या है वाई बराबर बी बाई ए एक्स है ना, हैज़ फुट ऑफ नॉर्मल आर, तो उसका फुट ऑफ नॉर्मल क्या है, जो देखो आर है, मतलब कहने का मतलब क्यू पॉइंट से जो हम क्या किए एसिम्प्टोट पे नॉर्मल दिए, तो उस किस पॉइंट पे दिए आर पॉइंट पे दिए, तो हमको क्या प्रूफ करना है, देन प्रूव डैट पी आर पैरेलल टू कंजुगेट एक्सिस, पी आर क्या होगा पैरेलल टू कंजुगेट एक्सिस। अच्छा देख मेरे पास हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, नहीं इसका कंजुगेट एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, कंजुगेट एक्सिस क्या है इसका वाई बराबर जीरो, वाई एक्सिस ही इसका कंजुगेट एक्सिस है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो नहीं। अच्छा मान ली कि बोल रहा है कि कंजुगेट एक्सिस के पैरेलल हमको दिखाना है कि पी आर क्या है मेरे पास पैरेलल टू कंजुगेट एक्सिस है, तो कंजुगेट एक्सिस क्या है इसका वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन का इक्वेशन क्या होता है,
x बराबर 2, x बराबर 1, x बराबर 3, x बराबर 0.00001, नहीं यानी कि x बराबर कुछ भी आ जाए वही क्या होता है उसका y एक्सिस के पैरेलल लाइन आता है ना। तो हम अगर ये प्रूफ कर दें कि पी आर लाइन जो है कि x बराबर कुछ आ रहा है, कोई कांस्टेंट आ रहा है, तो वही कोई कांस्टेंट क्या होगा, पी आर यानी कि x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। नहीं तो सबसे पहले देख फिगर को ड्रॉ करते हैं, जो जो कह रहा है वो करते जाते हैं। नहीं तो सबसे पहले तो हाइपरबोला ड्रॉ किए। नहीं ये क्या है मेरा हाइपरबोला है। अच्छा ये मार्कर कहाँ गया, रेड। देखिए ये हाइपरबोला है, अब बोला कि हाइपरबोला पर कोई पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट है, हम पी पॉइंट से क्या किए नॉर्मल ड्रॉ किए। तो हाइपरबोला से पी पॉइंट पर नॉर्मल दिए, वो कहाँ पर जाके मिला, क्यू पे मिला। नहीं क्यू पे मिला यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस पे मिला, ट्रांसवर्स एक्सिस के उस पॉइंट को क्या बोला उसने, क्यू बोला है। अच्छा मेरे पास एसिम्प्टोट का इक्वेशन क्या है, y बराबर b बाई ए एक्स। तो ये क्या है मेरे पास, क्या है एसिम्प्टोट है, है? अब हम क्या कर रहे हैं कि q पॉइंट से जो फुट ऑफ नॉर्मल दे रहे हैं किस पे दे रहे हैं, एसिम्प्टोट पे। तो q पॉइंट से हम क्या किए फुट ऑफ नॉर्मल दिए किस पे, एसिम्प्टोट पे, और वो एसिम्प्टोट पे कहाँ पर मिल रहा है, आर पे। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि पी आर पैरेलल टू ये कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस मतलब y एक्स, यहाँ पे कंजुगेट एक्सिस क्या है y y एक्सिस। नहीं तो हमको ये प्रूफ करना है कि पी आर क्या होगा, पैरेलल होगा y एक्सिस के। नहीं अच्छा हम मान लेते हैं कि देख r का कोई पॉइंट क्या मान ले, हम r का कोई पॉइंट मान लेना, आर पे कोई पॉइंट मान क्या मान लोगे, ए कोमा बी मान ले, ए कोमा बी में तो है ही है, कुछ और मान लेना। पहले तो देख हम पी पॉइंट मान लेते क्या मेरे पास एक्स वन कोमा वाई वन है, आर का कोई पॉइंट माने मान लेना कोई भी एक पॉइंट, यू भी मान ले, मान लेते क्या है यू वी, आर का कोई पॉइंट क्या मान लिए हम यू भी मान लिए। अगर हम यहाँ से ये भी प्रूफ कर दें कि x1 मेरा u के बराबर आ गया, नहीं ये भी प्रूफ कर दे तो मेरा हो जाएगा। नहीं अच्छा अब जो दिया है ना वो लिखते हैं, पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल p पॉइंट पे बता सकते हो क्या होगा, नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, टेंजेंट का इक्वेशन लिखते थे। नहीं तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x x1 by a square minus y y1 by b square is equal to 1। अब हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस दोनों को पलट देंगे, तो ए स्क्वायर एक्स वन अपॉन एक्स प्लस, नहीं कहेंगे बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से करते, नहीं तो क्या होगा वाई सॉरी बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी को क्या लिखते थे ए स्क्वायर ई स्क्वायर, लिख लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा ये नॉर्मल कहाँ पे मीट कर रहा है, ट्रांसवर्स एक्सिस पे, ट्रांसवर्स एक्सिस, और उस पॉइंट का नाम क्या दिया है क्यू, इसका वाई को वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो देख ए स्क्वायर कैंसिल होगा, जब वाई के जगह पर जीरो रखोगे तो ए स्क्वायर कैंसिल होगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा एक्स वन ई स्क्वायर, नहीं तो इसका क्यू पॉइंट क्या आ गया मेरे पास एक्स वन ई स्क्वायर कॉमा जीरो आ गया। अच्छा अब हम एक चीज़ ये कर दे सॉल्व यहाँ से, अब देख क्यू पॉइंट से हमने क्या किया एसिम्प्टोट पे क्या किया है नॉर्मल दिया है। अच्छा ये बता सकते हैं एसिम्प्टोट का इक्वेशन क्या वाई बराबर बी बाई ए एक्स। अच्छा देख हमको अब हम मान ले कि क्यू आर लाइन का इक्वेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि फाइनली अब हमको क्यू आर लाइन और एसिम्प्टोट को सॉल्व करना ही रह गया। नहीं तो क्यू आर लाइन का इक्वेशन बता सकते हो क्या होगा, देख क्यू आर लाइन का स्लोप बता सकते हो क्या होगा, एसिम्प्टोट का स्लोप कितना है बी बाई ए है। अच्छा ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं क्या होगा, इसका स्लोप गुणे इसका स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप अगर बी बाई ए है तो इसका स्लोप माइनस का ए बाई बी क्या होगा, माइनस का इसका स्लोप क्या हो जाएगा माइनस का ए बाई बी। इस पे एक पॉइंट पता है क्यू पॉइंट पे, यानी कि पी आर क्यू पॉइंट पे एक पॉइंट पता है क्या क्यू, इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या होगा वाई माइनस जीरो इंटू स्लोप कितना है मेरा माइनस का ए बाई बी इंटू एक्स माइनस एक्स वन ई स्क्वायर है। अच्छा यहाँ से देखो
बी वाई बराबर क्या रहा, माइनस का ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए एक्स वन ई स्क्वायर आ रहा है। अच्छा अब फाइनली हमको यू पॉइंट निकालना है। देख मेरे पास इस लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है, अगर हमको यू पॉइंट निकालना है तो इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व कर लेंगे तो यू पॉइंट वी पॉइंट आ जाएगा ना। अच्छा अब यू पॉइंट वी पॉइंट निकालना है नहीं, चलो कोई बात नहीं, यू पॉइंट बता सकते हो कैसे आएगा जब इस लाइन को सॉल्व करेंगे नहीं। अच्छा इस लाइन का इक्वेशन क्या है, वाई बराबर बी बाई ए एक्स, इस लाइन का इक्वेशन वहाँ आ चुका है तो इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व कर लेते हैं यू पॉइंट और वी पॉइंट आ जाएगा नहीं। तो यहाँ से वाई बराबर बी बाई ए एक्स है तो वाई के जगह पर बी बाई ए एक्स लिख सकते हैं नहीं, तो वाई के जगह पर हम क्या कर देंगे बी बाई ए एक्स लिख देंगे नहीं, तो बी इंटू क्या आएगा बी बाई ए एक्स नहीं, ये माइनस का ए एक्स इधर आएगा तो प्लस का ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स वन ई स्क्वायर। अच्छा अब इधर देखो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर बाई ए आ रहा है प्लस का ए इंटू एक्स ए एक्स वन ई स्क्वायर नहीं। अच्छा ए कॉमन ले ले, यहाँ से ए कॉमन ले सकते हैं ना, ए जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस का वन एक्स ए एक्स वन ई स्क्वायर होगा। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, ई स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ए और ए कैंसिल हो गया तो एक्स बराबर क्या आ गया एक्स वन, यानी कि इसका यू यू कितना आ गया एक्स वन नहीं, यू क्या आ गया एक्स वन आ गया नहीं, U क्या आ गया X1 आ गया नहीं, भी अभी रहने देते भी ही है ना। अब हम इक्वेशन ऑफ PR लिख सकते हैं कैसे, तो इक्वेशन ऑफ PR क्या हो जाएगा Y, हाँ चलो Y माइनस भी स्लोप भी माइनस Y1 क्या होगा भी माइनस Y1। अच्छा इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि x बराबर x1 आ ही गया है तो यहाँ से भी तो वही आएगा x बराबर x1, तो हो तो गया कि ये लाइन क्या होगा ये PR लाइन आ गया। अब ये लाइन किसके पैरेलल होगा x बराबर x1, x1 तो मेरा कोई कांस्टेंट रहा होगा, P पॉइंट इस पे क्या रहा होगा कांस्टेंट ही रहा होगा ना, मान ली P पॉइंट पर x1 कमा जो y1 लिखे तो x1 कमा y1 तो कोई ना कोई पॉइंट कांस्टेंट ही रहा होगा, तो P मान ली कि x1 कोई ना कोई कांस्टेंट है तो और x हम क्या सॉल्व x क्या था मेरा इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व किए तो उसी का x कोऑर्डिनेट था ना, तो ये लाइन तो स्वाभाविक है पैरेलल हो ही जाएगा ना, मान ली कि x बराबर 3 आ जाए तो वो लाइन क्या होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है ना, तो x बराबर x1 तो आ रहा है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस आ गया ना, तो पी आर पैरेलल टू आ रहा है ना इसके कंजुगेट एक्सिस के, क्योंकि पी का भी कोऑर्डिनेट क्या है एक्स1 है और R का भी हमारा X कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है X1 ही आ रहा है नहीं, तो PR लाइन पैरेलल किसके आ रहा है कंजुगेट एक्सिस के आ रहा है, तो ज़्यादा कुछ तो करना भी नहीं था नहीं, तो प्रूफ तो हो गया।